प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। देखिए अगर हम शिवरात्रि की बात करें तो हर महीने की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि आती है, जिसको मास शिवरात्रि भी कहते हैं, और जब ये फाल्गुन के महीने में आती है तब इसे कहते हैं महाशिवरात्रि। इसके पर्व का महत्व क्या है? महाशिवरात्रि या शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। दीपावली, दशहरा, होली, इन सबसे भी बड़ा अगर कोई पर्व है तो वो महाशिवरात्रि का पर्व है। इसे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। भगवान शिव का जन्म कब हुआ, भगवान शिव कहां से आए, इसका कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं है। कहा यह जाता है कि सृष्टि बनने के पहले भी वो थे और सृष्टि जब नहीं रहेगी तब भी वो रहेंगे। इसीलिए पहली बार जब प्रकाश के रूप में, प्रकाश के लिंग के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था वो तिथि थी महाशिवरात्रि की। इसके अलावा भगवान शिव का विवाह भी इस दिन माना जाता है, यानी भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ जिस दिन हुआ था वो दिन था महाशिवरात्रि। इस दिन भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव वैसे भी आशुतोष हैं, तत्काल प्रसन्न होते हैं, ग्रहों की बाधा, जीवन की बाधा, हर तरह की मुश्किलों को हर लेते हैं, इसीलिए उन्हें हर भी कहा जाता है। तो अगर आप महाशिवरात्रि पर साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं तो हर तरह का सुख आपको मिल सकता है। महाशिवरात्रि पर व्रत, उपवास, मंत्र जप और रात में जग करके साधना करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो अगर आप महाशिवरात्रि पर एक दिन समय निकालते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। तो इस बार की महाशिवरात्रि वैसे भी अपने आप में मूल्यवान है और इस बार अगर आप साधना उपासना करेंगे तो उसके ज्यादा फायदे आपको प्राप्त होंगे। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि अपने आप में ही बहुत मूल्यवान होती है, अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस बार की जो महाशिवरात्रि है उस पर बड़े सुंदर संयोग बने हुए हैं, बड़े सुंदर योग बने हुए हैं। अगर हम महासंयोगों की बात करें जो महाशिवरात्रि पर बने हैं तो उसको समझने की जरूरत है कि ये महासंयोग महाशिवरात्रि पर कैसे फायदा पहुंचाएंगे। वैसे तो महाशिवरात्रि पर या शिवरात्रि पर हर तरह की मनोकामना पूरी की जा सकती है, लेकिन इस बार महाशिवरात्रि पर कई बड़े महासंयोग भी बन गए हैं। इसमें शनि का पंच महापुरुष योग बन गया है जिसे हम कहते हैं शश। शनि कुंभ राशि में विद्यमान है और वहां पर बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। शनि का इतना मजबूत होना रोजगार देने के लिए बड़ा शुभ हो गया है। जो लोग रोजगार की समस्याओं के लिए परेशान हैं कि रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पा रही, उनके लिए ये महाशिवरात्रि चमत्कार कर सकती है। साथ ही साथ शुक्र का और बृहस्पति का प्रबल होना भी धन के लिए शुभ स्थितियां बना रहा है।
यानी एक तरफ रोजगार की बेहतर व्यवस्था हो रही है और दूसरी तरफ धन के लिए शुभ स्थितियां बन गई हैं। इस बार की महाशिवरात्रि पर रोजगार की मुश्किलें भी दूर की जा सकती हैं और धन और विवाह संबंधी तमाम समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। तो इस बार की महाशिवरात्रि पर अगर आप महासंयोगों का फायदा उठाते हैं तो निश्चित रूप से अपनी तमाम समस्याओं को इस महाशिवरात्रि पर आप दूर कर पाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।